स्टार्ट लेते हैं ग्राउंड कंडीशन से कि हमारी ग्राउंड कंडीशन क्या है, तो उसी हिसाब से हम फिर अपने स्कैफोल्ड के बेस का स्टार्ट लेते हैं। तो इस तरह अगर ज़मीन के ऊपर स्कैफोल्ड का स्टार्ट करना हो तो उसके ऊपर हमने सोल बोर्ड रखना है, पहले ग्राउंड को लेवल करके फिर उसके ऊपर सोल बोर्ड रखते हैं। ये जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक है ये इधर आ जाता है तो इसका नाम सोल बोर्ड हो जाता है। इसके ऊपर ये बेस प्लेट, फिर बेस प्लेट के बाद ये जो कड़ा पाइप आ गया है इसका वर्टिकल पाइप, इसको पोस्ट बोलते हैं या स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड या पोस्ट। इसके बाद अगला हमारा रनर, ये जो लंबा नीचे वाला हमारा पाइप लगा हुआ है इसको रनर या लेजर बोलते हैं। और ये जो ऐसे शॉर्ट साइड में हमारा पाइप लगा है इसको ट्रांजम बोलते हैं। ये ऐसे ये वाला पाइप, ये हमारा ट्रांजम। तो ये ट्रांजम, सोल बोर्ड, बेस प्लेट, पोस्ट, रनर और ट्रांजम की जब असेंबली हो जाती है तो ये जो पहला हमारा लिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे लिफ्ट का नाम केकर लिफ्ट है, इसको केकर लिफ्ट, फाउंडेशन लिफ्ट या बेस लिफ्ट बोलते हैं। ये लिफ्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा दूसरे लिफ्ट का काम शुरू हो जाता है तो इसको फर्स्ट लिफ्ट बोलते हैं। केकर लिफ्ट के बाद जो अगला लिफ्ट आता है इसमें भी सेम यही सारे कंपोनेंट, रनर तो पोस्ट तो पहले से लग जाते तो रनर और ट्रांजम लगते हैं। तो रनर और ट्रांजम की असेंबली के बाद ये जो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये आपका फर्स्ट लिफ्ट बन जाता है। नोड पॉइंट आपका ये आ गया, ये आप फिर इसके बाद आपका अगला ब्रेसिंग का मरहला आता है। इसके ट्विस्ट को कंट्रोल करने और स्टेबिलिटी देने के लिए इसका पोर्ट को इसके ब्रेसिंग लगती है। तो इस ब्रेसिंग का ये दो नोड पॉइंट है आपके, आप जब भी कोई भी ब्रेस लगाते हो तो उसके दो लोअर नोड पॉइंट और अपर नोड पॉइंट। ये आपका ये जो एरिया बन गया ये आपका लोअर नोड पॉइंट है। इसी तरह सेम जो ऊपर रनर और पोस्ट और ब्रेसिंग जो एक दूसरे को टच करते, एक दूसरे को कनेक्ट करते, उस एरिया को अपर नोड पॉइंट बोलते हैं। इसमें खतरा है तो ये अभी ट्रिपिंग हजार्ड का खतरा है, वो ऊपर से मटेरियल भी गिर सकता है और वो जो चक्कर आके भी आदमी लोग कभी कभी गिर सकता है, ऐसा ही वो अभी ज़्यादा मुश्किल की काम है और थोड़ा सामान भी ज़्यादा क्या होता है, वजन होता है, ज़्यादा वजन होता है, इसलिए वो उसको भी थोड़ा ताकत चाहिए थे ऐसे ही। आप क्या कहते हो भाई? एक है, सही है। आप क्या कहते हो, ये काम सही है करने के लिए, सही है? इसमें क्या क्या परेशानी है और इसके काम के क्या क्या? सही तो सही है, ज़्यादा हार्ड काम है, इसलिए बहुत डेंजर काम है, इसका ध्यान से काम करना है, इसका कलर बनाना साफ निकल काम करने का रिस्क लेने का बनाना है इसका। ठीक है, इस काम को करने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है? सर्टिफिकेट ट्यूबी देते हैं, ट्यूबी है, ट्यूबी चाहिए। तो ट्यूबी का कितना लागत आता है, वो कितना पैसा लगता है उसका? इसका कभी से छः से हज़ार से ऐसे तीन से चार से छः से तक हम लोग को छः से गए। किसी स्कूल में ये काम सिखाता है, मदरसा में कुछ स्कूल में काम ये सिखाता है या साइड पे आके सीखता है? स्कूल में नेपाल से जाना है, मेनपावर में थोड़ा तीन चार महीना ऐसा ट्रेनिंग देता है, उसके बाद हमारा वो बना के फिर देता है।